सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए गेम प्ले में। और आज हम खेलने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व, वो भी आइसलैंड में। और इस गेम के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ, हम बहुत पुराने टाइम में जिस टाइम की डायनासोर हुआ करते थे और हमें इस आइसलैंड में पूरी तरह से सर्वाइव करना है डायनासोर के बीच। तो चलो, हमारी गेम तो स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ सामने की तरफ तुम्हें डायनासोर जाता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो वुड्स पड़ी हैं, तो मेरे को वुड चाहिए अभी और काफ़ी कुछ है इस गेम में। तो चलो, और यहाँ की तरफ ये ब्लू सप्लाई भी होती है जिसमें कि मेरे को काफ़ी कुछ मिल सकता है, बट स्टार्टिंग में तो नहीं मिलने वाला, ये तो मैं जानता हूँ। तो ठीक है, अभी ना मैं सामने जाके देख लेता हूँ एक बार इसमें है क्या। लाइट चल रही है भाई इसमें, तो ऐसे सप्लाई यहाँ पे आएगी, ये भी आई नहीं है। तो ठीक है, अभी ना मैं तुम्हें सब कुछ चल के ना पहले यहाँ के डायनासोर दिखाता हूँ और फिर चल के हम इस सप्लाई को देखेंगे जब आएगी। और यहाँ देखो सामने की तरफ दो डायनासोर दिख रहे हैं ना, दो नहीं ऐसे तीन है वहाँ पे, और इन्हें हमें टेम करना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई इन्हें मारना आसान नहीं है। हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट के लिए हमें क्राफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ ये भाई साहब कितने ज़्यादा, ये तो मतलब एक तरह से एक चील समझो, बट डायनासोर के टाइम पे मेरे को इसका नाम नहीं पता, तो तुम सब मेरे को कमेंट में जा सकते हो, इन सब का नाम बता सकते हो क्या। और यहाँ टर्टल है, वो भी डायनासोर का टाइम का। तो चलो, अभी ना मैं थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करता हूँ और हाँ फिर करेंगे हम, थोड़ा देखते हैं कि क्या बना सकते हैं, क्या क्राफ्ट कर सकते हैं वुड से और स्टोन से। तो चलो दो मिनट रुको, यहाँ पे मेरे को देखना, और वहाँ जो डायनासोर देख रहे हो ना भाई, वो बड़े वाला, एक बड़े वाला भी एक नीचे की साइड छोटे वाला तुमने देखा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ठीक है, अभी ना मैं इसी कोने में रहता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान यहीं पर होगा रहना हमारा। अभी देखो जहाँ हमने बड़े बड़े डायनासोर देखे थे ना, वो खाली वेजिटेरियन है, वो भाई कुछ नहीं कहते, जहाँ पे टर्टल है और एक और डायनासोर है। तो चलो, अभी ना मैं थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और वुड कलेक्ट करने के बाद हम बनाते हैं कौन सा इक्विपमेंट बनेगा, मेरे को अभी नहीं पता। तो ठीक है, वुड हो चुकी है और अभी मैं हाथ से ही से तोड़ने में लगा हुआ हूँ, बट भाई ये थैच ज़्यादा दे रही है, वुड बहुत ज़्यादा कम दिया। तो चलो मैं एक ना स्टोन उठाता हूँ, तो मेरे हिसाब से एक एक्स तो बन जाना चाहिए। तो ठीक है, अभी ना मेरे को देखने पड़ेगा, और यहाँ ना आसपास कोई बहुत बड़ा एनिमल घूम रहा है, कोई बहुत बड़ा डायनासोर मतलब। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ये कलेक्ट करता हूँ, अभी हमें घर भी बनाना है इसी के बीच, और एक डायनासोर तो टेम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अभी ना मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करे हैं, और हाँ हमारा जो क्रिएट था जो कि अभी अवेलेबल नहीं था, वो अब अवेलेबल हो चुका है, बट इसके अंदर मेरे को चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड, सप्लाई क्रिएट 100, भाई साहब रिक्वायरमेंट सर्वाइवल इस टाइम लेवल भाई 25 है और मेरा बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ तुम लेवल देख सकते हो 1 ही है मेरा, और अभी लेवल्स तो ओपन होने हैं, बट ठीक है मैं इस टाइम स्टोन पिकैक्स बना सकता हूँ। तो चलो, अभी ना मैं एक पिकैक्स बनाता हूँ, और पिकैक्स को क्या कहते होंगे, इसमें अलग है वैसे, इसमें अलग कहते हैं, ऐसे पिकैक्स ही है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया, और हाँ अभी मेरे को एक्स भी बनाना है, पर एक्स के लिए मेरे को स्टोन चाहिए, और स्टोन तो मेरे को चलो मिल जाएगा, बट मेरे को एक और चीज़ चाहिए, वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ अभी, वो दिख गया होगा तुम्हें मेरे को क्या चाहिए। एक चाहिए फ्लिंट, क्योंकि फ्लिंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक्स बनाने में, और मेरे पास काफ़ी सारा फ्लिंट हो चुका है, 17 फ्लिंट बहुत है भाई एक्स बनाने के लिए। तो चलो, यहाँ पे एक्स भी कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरे को और भी इक्विपमेंट्स बनाने हैं, बट उसके लिए मेरा लेवल अप होगा। तो देखो लेवल मेरा अप भी हो चुका है, मैं वेट गेनर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, जिससे कि मैं वेट कर पाऊँ, मतलब कि मैं अपनी इन्वेंट्री में काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा सामान रख पाऊँ और ज़्यादा भारी मुझे ना लगे, जिससे कि मेरे को चलने में कोई परेशानी ना हो। तो चलो, यहाँ पे हम कैंप फायर लगा सकते हैं, अभी इस टाइम स्टोन वाला वो भी हो चुका है, और यहाँ पे हो चुका है स्पेयर। तो ठीक है, वो मैंने टॉर्च बनाई थी यार, गलती से एक्स कह दिया उसे। बाकी देखो थोड़े बहुत क्लॉथ भी अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली बात है। तो ठीक है, और मैं देखो अगर ऐसा ही घूमता रहूँगा ना, एक छोटा सा अंडरवेयर बाकी, तो मेरे साथ क्या हो सकता है भाई, स्कैम, क्योंकि मेरे को ठंड काफ़ी ज़्यादा लग सकती है। तो ठीक है, अभी मेरे पास और भी इक्विपमेंट्स हैं, तो इनको मैं बना लेता हूँ, इस टाइम मैंने बना चुका हूँ, एक्स आप बनाया मैंने जाके। तो ठीक है, अभी के लिए मेरे को कैंप फायर बनाना है, कैंप फायर के लिए और काफ़ी सारा सामान लगेगा, पहले मैं वो कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक स्पेयर भी है, जो कि मेरे को बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भाई एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिलेगा, और मैं जितना हाथ से डैमेज देता ना, उससे ज़्यादा भाई ये डैमेज दे पाएगा। तो चलो, अभी के लिए मैं चलता हूँ सामान ढूंढने, और सामान ढूंढने के बाद बनाता हूँ अपने लिए एक नवा कैंप फायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। बट चलो, यहाँ से मेरे को काफ़ी सारा स्टोन्स कलेक्ट करना है, फ्लिंट कलेक्ट करना है, जिससे कि मैं कैंप फायर बना पाऊँ।
ठीक है गाइस, फाइनली मैंने कैंप फायर के लिए सामान कलेक्ट कर लिया है जो कि मुझे चाहिए था। अभी यहाँ पे कैंप फायर मैं बना रहा हूँ, स्पेयर्स के लिए भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए। मैं आसपास के पेड़ से कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यार हमें फाइबर चाहिए और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं जिससे कि हमें फाइबर मिल सकता है। तो चलो यहाँ से मैं फाइबर कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो भाई फाइबर कितनी जल्दी कलेक्ट हो रहा है और जो ये फूड कलेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो बेरीज है ना भाई, इन्हें भी थोड़ा देख के हमें खाना पड़ेगा क्योंकि भाई इनमें पॉइजन भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पे मेरे पास सारा कुछ सामान हो चुका है और यहाँ पे फिर हम बढ़ाने वाले वेट गेनर, तो ठीक है जिससे कि हम सामान काफ़ी रख पाएंगे। और मेरे पास क्लोज है और ये फ्रंट साइड से तुम देख रहे हो कौन सा ये भाई फ्लाइंग डायनासोर है। इसका नाम शायद से दे तो रखा है इसका नाम, तो ठीक है अब तुम मेरे को कमेंट में, अगर तुमने नाम देखा ना मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना भाई इसका नाम क्या था। तो ठीक है यहाँ से मेरे को ओपन करना है, अभी गुलेर विलेर ओपन नहीं हुई है और फालतू का मतलब यार घर वाला सामान भी ओपन नहीं हुआ, जो भी ओपन हुआ है अभी वो यही है। चलो एक बोतल ऑन करता हूँ, यहाँ पे शूज़ और कैप रह गई है, बाकी हाँ चार चीज़ें हमारी मतलब ओपन हो चुकी है। ठीक है ओपन तो हो चुकी है, अभी हमें क्या करना है, कैंप फायर हमारा लग चुका है, हम स्पेयर भी बना ही लेते हैं क्योंकि स्पेयर भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो ठीक है यहाँ पे मैंने स्पेयर के लिए लगा दिया, हाँ स्पेयर के लिए सामान मेरा पूरा हो चुका था। चलो मेरा स्पेयर बन चुका है, अब थोड़ा बहुत मीट लेने चलते हैं जिससे कि हमें खाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और हम इस गेम में शाकाहारी हैं भाई। उस टाइम पे खा भी क्या सकते थे, बैरिस थी पर बैरिस से जिंदा रहा भी नहीं जा सकता। तो चलो अभी कोई एनिमल्स देखने पड़ेंगे मेरे को और यहाँ से थोड़ा बहुत फाइबर उठा लेता हूँ जो कि मेरे ना बोतल बनाने के काम आए, बट बोतल के लिए ना मेरे को उसकी स्किन भी चाहिए कोई एनिमल की, कोई डायनासोर की स्किन मिलेगी तभी। और यहाँ पे भाई फ्लाइंग डायनासोर तो काफ़ी तगड़ी तरह लगा हुआ है। तो ठीक है गाइस फाइनली हमारे क्लोथ्स हो चुके हैं तैयार और हाँ अब इससे एक फ़ायदा हमारा हुआ है कि हमें ठंड कम लगेगी। और यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरीज पड़ी हैं काफ़ी सारी और डिफरेंट टाइप्स की, तो ठीक है इन्हें भी मैं रख लेता हूँ। और हाँ मेरा फ्रूट तुम देख ही लो भाई इसका क्या हाल हो रखा है, दो मिनट खाना वाना खाना पड़ेगा और मेरे को शायद से एनिमल को मतलब डायनासोर को किसी को भी मारना पड़ेगा, छोटे मोटे डायनासोर को मारेंगे, इतने बड़े वाले की अभी हमारी हिम्मत नहीं है मारने की भाई, उसने अगर एक बार भी मारा ना हमें हमारी गेम हो जाएगी सीधा। तो चलो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत पानी पर मतलब पानी पी लेता हूँ, स्टोन फालतू में नहीं उठाना, पानी पीना भाई यहाँ से। तो मैं ठीक है यहाँ से पानी मैंने पी लिया है और अभी चलता हूँ मैं कोई डायनासोर को, पर मेरे पास स्पेयर पड़ा था ना, दो मिनट स्पेयर निकाल लेता हूँ भाई, फ़ायदा यही है। और यहाँ पे एक विनर चिकन डिनर घूम रहा है भाई जो कि एक तरह डक की तरह है। दो मिनट रुको इसको मेरे को मारना है, दो मिनट रुको इसको एक दिया दो, अबे दो में मर गया भाई ये। सामने वाले से पंगा नहीं लेना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर मैंने उससे पंगा लिया तो वो भाई उड़ा उड़ा के मारने वाला है मुझे। तो ठीक है यहाँ ना मैं इसकी बॉडी उठाऊँ या हाँ ठीक है इसका रॉ, यार मैंने ना एक्स से नहीं मारना था, ये रॉ मीट ना काफ़ी ज़्यादा काम कलेक्ट करेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक एनिमल हुई, एक सेकंड ये डायनासोर का बच्चा कहाँ आ रहा है, और मैंने कोई गलत वो खा लिया जिससे करके मेरी हेल्थ वैसे भी घट गई है और ये डायनासोर मुझे काटने आया है छोटा सा भाई छोटा। चलो एक गया, अभी दूसरा भी आ गया, ओ भाई मेरी एक वो स्पेयर डैमेज हो चुकी है दो मीटर को, इनको भाई मारना पड़ेगा मुझे। दो मिनट एक दो ए भी गया, ठीक है इनसे भाई, अबे इसने काटा काटा बच गया, मैं बच गया। ठीक है दूसरा तीसरा, अबे तीन भाई साहब कितने सारे हैं, दो भाई तीन पीछे की तरफ और आ रहे हैं। ओ भाई बहुत तगड़ा पंगा हो चुका है डायनासोर के बच्चों के साथ मेरा, और भाई इतने में मरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। दो मिनट रुको इन्हें ना मेरे को अच्छी तरह मारना पड़ेगा, इन पे हार्ट आ रहा है, इनको मैं टेम कर सकता हूँ बट चलो छोड़ो अभी, टेम तो मेरा करने का इन्हें मन नहीं है भाई, बालकों से क्या होगा यार इन बालकों से। तो चलो अभी ना इनकी बॉडी का हम क्या करते हैं, मीट निकालते हैं, दो मिनट रुको, और पीछे की तरफ भी मैंने मारे थे, पहले इनसे मीट लेके चलते हैं और फिर हम चलेंगे पीछे छोटे वाले बच्चों से मीट लेने। दो मिनट रुको इससे पहले मैं मीट लेता हूँ, ठीक है इस बारी अब देखो मीट जो मटेरियल है ना ज़्यादा पिकैक्स से कलेक्ट होता है और जो एक्स है उससे भाई कलेक्ट क्या होता है हमारा ये हाइट, तो मैं इसलिए पिकैक्स यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मैं मीट ज़्यादा कलेक्ट कर पाऊँ। तो चलो यहाँ पे एक मारा था येरा एक ये रहा मारा हुआ है, तो ठीक है अभी ना मैं इसको कलेक्ट करता हूँ जल्दी से मार के। ठीक है मैंने कलेक्ट कर लिया है मीट और वहाँ जो सामने वाला देख रहा हूँ ना उसे टेम करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे को नहीं पता टेम कैसे होता है बट अगर तुम सबको पता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताना, वो कौन सा डायनासोर टेम करना चाहिए अगले वाले एपिसोड में वो भी बताना। बट चलो अभी के लिए मेरे को अपनी घर की पोजीशन भी देखनी है, बट एक सेकंड मेरे को अभी लगाना है अपना, यहाँ पे मैंने कैंप फायर बनाया था। ठीक है और यहाँ लेवल अप के लिए भी आ चुका है,
तो चलो यार मैं कैंप फायर पहले लगाता हूँ। ठीक है डन, यहाँ कैंप फायर मैंने लगा दिया। इसे मैंने जलाना है, वुड वर्ड डालनी है इसमें, तो इसमें ना पहले वुड लगाता हूँ। और यहाँ मैं मीट लेके आया था ना, इसमें हाफ मतलब हाफ वुड लगाऊंगा जिससे कि हमारे पास हाफ रहे, हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है वुड के। वैसे पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं इधर, बट ठीक है हमें इतना भाई काट पीट नहीं करनी है। तो चलो मैंने यहाँ कैंप फायर अपना लगा दिया फाइनली। मैं यहाँ पे दो पीसीज रख रहा हूँ मीट के, बट ये ऐड नहीं हो सकता। उसमें से ना वुड में से चार कोल भी निकलता है, जो कि भाई इन्वेंट्री में ना कैंप फायर की जगह बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो इसे बनने दो, हमें जब तक करना है अपना लेवल अप और हाँ अपने घर की शुरुआत भी करनी है। तो दो मिनट रुको, यहाँ पे वो डायनासोर भाई वो सामने देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो यहाँ ना मेरे को लेवल अप करना है, और पानी की बोतल में मैंने पानी नहीं भरा था, दो मिनट रुको। ठीक है यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, हाँ मेरे पास हाइट नहीं था जिसके कारण मैं अपनी बोतल बना नहीं पाया था। तो चलो अभी मैंने अपनी बोतल को क्रिएट भी कर लिया, और यहाँ मेरे को डालना है बस इसमें पानी, जिससे कि अगर मैं जंगल के बीच कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं पानी कलेक्ट कर सकूँ। तो चलो मैं ना यहाँ पे अभी लेता हूँ। इसमें पानी कैसे कलेक्ट होगा भाई, मेरे को देखना पड़ेगा। इसे तो मैं पानी पी सकता हूँ, बट अभी कलेक्ट किससे कर पाऊँगा ये नहीं पता मेरे को। तो मैं रुको, यहाँ पे पानी भरा है? नहीं नहीं नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है। लेवल 100 तक इसमें पानी होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैं थोड़ा आगे जाके देखूँ। ठीक है ठीक है, मेरे को लगा यार पानी मैंने पिया या इसमें भरा है पानी। दो मिनट रुको, यहाँ ना मैंने पानी शायद से भरा है। वेट 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 वेट, ठीक है ठीक है, इसमें देखो मैंने पानी भर लिया और ये 100% फुल हो चुका है इस टाइम। तो चलो अब मेरा फ़ायदा क्या है कि मैं इसमें से पानी पी सकता हूँ, और यहाँ लेवल अप होने के लिए भी आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा घर रेडी होने का टाइम आ चुका है। तो चलो मैं सामान वान कलेक्ट करता हूँ और अपने घर की तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ। तो ठीक है गाइस, फाइनली यहाँ पे मैंने घर अपना लेवल अप कर लिया है, घर का भी, और यहाँ लेवल और अप करने के लिए आ रहा है। बट ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को बनाना है इसका बेस, क्योंकि बेस पे ही बनता है। तुम्हें पता है घर इसके ऊपर ही बना सकता हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे मैंने अलग ही तरह का घर बनाना है ये वाला। ठीक है, एक मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है, तो चलो मैं फ्रंट साइड लगा देता हूँ। यहाँ से मैं गेट बना दूंगा, और भी मेरे को बाकी सामान चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को वो सामान भी बनाना पड़ेगा, और अपग्रेड करने का टाइम भी आ चुका है। बेड मेरे पास बना हुआ था, शायद से वॉल मैंने बनाई थी ना। दो मिनट वेट, यहाँ पे मैंने शायद से वॉल बनाई थी, देखना पड़ेगा। और यहाँ स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है जिससे कि मेरा बेड आ जाएगा। फ़ायदा ही फ़ायदा है वैसे, नुकसान कोई नहीं है। और हाँ, यहाँ बारिश ने बहुत तगड़ा काम ख़राब कर दिया है, बट इस बारिश में हम काम तो कर सकते हैं। अच्छा वो भाई गीले नहीं हो रहे, जिसके कारण हम भाई ठंड लग सकती है, और मैं गीला हुआ तो भाई मेरी हेल्थ भी जा सकती है। तो चलो हमारे पास कैंप फायर है, और कैंप फायर भाई बारिश में बुझता नहीं है। तो ठीक है, यहाँ मेरे पास वॉल अवेलेबल नहीं है। ठीक है ठीक है, अब हो चुकी है वॉल अवेलेबल, और मेरे को नीचे के वॉल चाहिए, मतलब नीचे की ये छत चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा सही लगती है भाई। तो ठीक है, अभी के लिए मेरा एक डोर ओपन करना है, इसमें भी टाइम है। तो चलो अभी मेरे को और भी सामान कलेक्ट करना है, और सामान कलेक्ट करके बस सीधा हम करते हैं अपना घर रेडी। तो ठीक है गाइस, बेस रेडी हो चुका है, बस इसमें लगानी है वॉल्स। तो मैं जल्दी से यहाँ वॉल्स लगाता हूँ कुछ। हाँ, सारी तरफ से वॉल्स लगानी है, और ये वॉल कुछ गलत लग गई भाई बीच में, बट कोई बात नहीं। एक साइड में सोच रहा हूँ क्यों ना अपना बेड रख लूँ, और दूसरी साइड में अपना चेस्ट रख लूँगा जिसमें कि मैं अपना इन्वेंटरी का सामान रख सकूँ। तो चलो अभी मेरे को ऑल वॉल्स बनानी पड़ेगी, जिससे कि भाई मैं इसमें लगा सकूँ, और मेरे पास सामान प्रॉपरली पड़ा हुआ है। हाँ, बीच बीच में मेरे को जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे कट्स लगाए हैं। तो चलो अभी ना मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये कुछ वॉल्स और रह चुकी हैं। तो यहाँ पे भी दो मीटर को यहाँ पे मेरा वॉल्स पड़ी है, सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, जितना सामान पड़ा है उतने हिसाब से वॉल्स लगती रहेंगी। तो ठीक है, यहाँ से ऊपर से कवर भी करना है, और यहाँ ये बारिश जो कि भाई हमें बिगा रही है काम करते समय, भाई सही में बहुत ही ज़्यादा गलत सीन है। तो ठीक है, और वहाँ देखो डायनासोर्स भाई बारिश में घूमने में लगे हुए हैं, और यार लाइट होगी बारिश, और हमारी जो कैंप फायर है वो भी बंद हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, कैंप फायर को मेरे को जलाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने खाना वाना रखा है। बट एक सेकंड, इसको मेरे को घर को भी पूरा करना है, घर को पूरा कर लूँगा, कैंप फायर को भी जला दूंगा। मेरा मीट काफ़ी सारा था, तो मैंने उसे पकाने के लिए कैंप फायर में रख दिया। कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, उसे मैं बाद में खाऊंगा, अभी भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैं गेट डोर लगाना है, और यहाँ गेट लगाना है, बाप अपना घर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। बट एक सेकेंड, ऊपर की छत तो रहेगी है। तो चलो अभी ना ऊपर की छत रेडी करनी है, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लगाओ, थोड़ा डिफरेंट लगेगा ना हमारा फ्रंट साइड से घर, ये रहा ये। और अभी मेरे को और भी सामान लगाना है। बारिश चलो बंद हो चुकी है भाई फाइनली, हमारा घर नहीं तो गीला हो जाता। तो जिस साइड हम वुड का घर बनाएंगे वो बात अलग रहेगी। हाँ भाई, हमारे पास ईंट नहीं है बिल्कुल भी, और हाँ ये देखो डैमेज हो सकता है, मतलब अगर मैं किसी से पंगा लेके अपने घर में घुसूंगा
भाई किसी भी डायनासोर थे तो पता क्या होगा भाई, बहुत पूरी तरह वो पीटने वाला है यार मुझे। तो चलो अभी ना मैं इसको यहीं पे लगाता हूँ, डन डन, यहाँ पे मेरा ये बन चुका है। इस पर सो नहीं सकता पर मैं, यार कुछ मेरे को कमेंट करके बताना कि हम बेड पे सोते कैसे हैं, रात का टाइम बहुत जल्दी बीतता नहीं है यार, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो चलो यार मैंने देखो कैंप फायर से पानी रख लिया, थोड़ी बहुत बूट इसमें ख़त्म हो चुकी है, मेरे को थोड़ा बहुत सामान मिला है। और हाँ, तुम सब मेरे को कमेंट में काफ़ी सारे सजेशन दे सकते हो इस गेम के रिगार्डिंग, जो जिससे कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाए और मैं एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकूँ। तो चलो इस टाइम मैंने चला दिया, बस यहाँ पे लगाना है हमें ये, ठीक है डन। यहाँ पे मेरे को और भी चीज़ें लगानी है, जैसे कि हमें बॉल्स लगानी पड़ेगी यार ऊपर की तरफ, और थोड़ा बहुत ऊंचा रहेगा अगर ठीक है, नीचे नहीं तो मेरी छत, भाई मेरा सिर है वो ना मेरी छत पे लगेगा। दो मिनट रुको, यहाँ पे ना पहले मैं वॉल निकालता हूँ, वॉल मेरे को बनानी पड़ेगी। ठीक है वॉल्स का हो चुका है, तो यहाँ से हम पहले लगाते हैं ये पहली वॉल। अरे भाई लगानी किस साइड से है, दो मिनट रुको, ये ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है ये डायनासोर, इसकी छत देखो कितनी ज़्यादा हमारी, भाई मतलब हमारा घर हिलाने में लगी हुई थी। बट ठीक है मैंने एक वॉल लगा दिया, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी वॉल्स लगानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बट कोई इस बात नहीं आना, थोड़ा मेरे को पीछे जाके लगानी पड़ेगी। ठीक है यहाँ एक लग चुकी है, एक, अरे लगना जाए यार, क्या टेढ़ी मेढ़ी हो रही है यार वॉल भी भाई। तो कोई बात नहीं, अभी वेट करेंगे, अंदर की साइड से हम चल के लगा के चेक कर लेते हैं एक बारी, दो मिनट रुको, एक बारी लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है अरे भाई एक बारी तो, हाँ ठीक है ऊपर आई थी, डन डन, यहाँ पे भी लग चुकी है, यहाँ पे वॉल हो चुकी है, यहाँ पे भी वॉल, और दो वॉल्स रह चुकी हैं लगानी, एक वॉल और लगी है। ठीक है डन भाई, फाइनली हमारा जो घर का वॉल्स है वो भी रेडी, बेस भी रेडी, बस छत रह चुकी है, जिससे कि हमारा घर काफ़ी ज़्यादा अलग तो लगेगा, थोड़ा बहुत सही भी लगेगा। तो चलो बाकी हाँ, हमारे पास जैसे जैसे इक्विपमेंट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे अपने घर को हम अच्छा से अच्छा डिज़ाइन करते रहेंगे। तो चलो यहाँ पे ये भी डन, और ये बस ये आखिरी छत है, और इससे हमारा घर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। दो मिनट रुको, यहाँ पे मेरे पास सामान था जिससे कि मैंने अपना पूरा सामान बना लिया है। तो ठीक है यहाँ पे मेरे को इस साइड लगाना है, डन डन भाई, पूरी तरह से घर मेरा हो चुका है रेडी। बट हाँ, तुम सब मेरे को कमेंट में बिल्कुल मत भूलना यार घर को भाई पेंट पुंट करने को। और यहाँ देखो मैंने एक छत लगाई है शैडो टाइप, मतलब कि इससे अपना जो कैंप फायर है अगर मैं उसके नीचे रख दूंगा, अगर कोई बारिश होगी तो हमारा कैंप फायर साइज से गीला ना हो, जिसके कारण भाई आग बुझ जाए। तो ठीक है यहाँ पे मेरे पास अभी मीट पड़ा है, और दो मिनट भाई ये कौन सा, हाँ ठीक है वही एनिमल होगा, चारकोल कलेक्ट हुआ है, और इससे पता नहीं क्या होता है, मेरे को नहीं पता, ये जो मैंने अभी कलेक्ट करके ग्रीन कलर का रखा है ना, आई डोंट नो पता नहीं क्या होता है इससे। तो थोड़ी बहुत वुड डालता हूँ यहाँ पे, मेरे पास खाना वाना पड़ा हुआ भाई, पकाया गया यहाँ, दो मिनट से ऑन करने दो मेरे को पहले लाइट। ठीक है लाइट, डन डन डन, यहाँ कैंप फायर ऑन कर दिया मैंने। तो चलो मैं अपना घर दिखाता हूँ, उस साइड मैंने तुम्हें देख लिया होगा, एक मैंने छत एक्स्ट्रा लगाई है जिससे कि अपना कैंप फायर बच सके, और यहाँ एक डोर रह चुका है जो कि मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, दो मिनट को, डन, यहाँ पे डोर भी हो चुका है और हमारा घर हो चुका है पूरी तरह से रेडी। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा घर हो चुका है रेडी। अब भाई काम तो है टेम करने का डायनासोर को, पर उससे पहले मैं अपना घर आगे पीछे से दिखा दूं, एक छोटा सा डिब्बा बना हुआ है, वो फ्रंट साइड से भाई एक इंडियन खोखा होता है ना वैसे टाइप में लगने में लग रखा है। तो चलो, और उस साइड भी मेरे को ऐसे पंख बना देता ना भाई, हेलीकॉप्टर लगना था इसने। तो ठीक है यहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी हम, तो अभी के लिए मेरे को भाई चलना चाहिए, यहाँ कैंप फायर बंद करो, और भी मेरे को सामान ढूंढना है और अपना लेवल अपग्रेड करना है अभी। गाइस फाइनली यार रात हो चुकी थी, मतलब मेरे को कोई सामान नहीं मिला, हाँ थोड़ा बहुत लेवल मैंने अपग्रेड करा, और क्या करा कि मैंने थोड़े बहुत इक्विपमेंट बनाए जिससे कि मैं ना एक डायनासोर को टेम कर सकूं। तो मैंने एक गुलेल बनाई जो कि तुम गुलेल जानते ही हो, एक मैंने रस्सी बनाई जिसमें पत्थर बंधे होते हैं और उससे हम बोला बोलते हैं, जो कि भाई हम ना किसी भी डायनासोर, मतलब जो छोटे मोटे डायनासोर भागने वाले होते हैं ना, उनके पैरों में बांध के भाई उन्हें रोक सकते हैं कि वो भाग ना पाए और पक्षी जो है वो उड़ ना पाए। और मेरे पे ना बहुत पक्षियों ने हमला भी कर दिया था, तो उनसे बचने के लिए भाई मुझे घर आना पड़ा, थोड़ा बहुत दूर गया था मैं घूमने, बट हाँ इस टाइम मैं घर पे हूँ, और इस टाइम मैं वेट कर रहा हूँ अपने कैंप फायर के सामने खड़ के अपने सुबह होने का। तो चलो मैं गाइस सुबह होने का वेट करता हूँ, और फिर चलने देते हैं हम टेम एक डायनासोर को। तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है, और बहुत टाइम लगा यार सुबह होने को, मेरे को रात में सो के सुबह हो जाती वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता, बट इस टाइम टाइम लगा। तो चलो सामने वाला जो डायनासोर घूम रहा है इसे ना मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, और ये चाहता टेम होना, बट एक सेकंड मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ पानी की वजह से। ठीक है पानी के पास ही हमारा घर, बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। और तुम सोच रहे हो भाई हम जंगल में क्यों नहीं गए,
तो जंगल में इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े डायनासोर है जिसके कारण हम पहले ही दिन मर सकते हैं यार। थोड़ा बहुत लेवल अप होने दो फिर हम जाएंगे जंगल में। तो चलो अभी ना मैं इसको पकड़ने चलता हूँ। और ये बनाया था मैंने भाई रात में इस रस्सी को जिससे मैंने लेवल अप करके करा था, और उसको मैं इसे फेंक के मारूंगा तो ये भाग नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो दो मिनट रुको, से मैं फेंकता हूँ और चलो जल्दी से इसे मैं अंदर रखता हूँ। भाई से करते हैं हम डैमेज हाथों से, भाई हाथों से डैमेज करना है, पता लगे मैं स्पेयर से करूँ और ये मर जाए। बट हाथों से करूँगा तो इसे कम चोट लगेगी जिससे कि हम इसे टेम कर पाए। तो चलो अभी ना मैं इसको मारता रहता हूँ और भाई जल्दी से हुआ। ठीक है फाइनली टेम होने के लिए आ चुका है। इसका लेवल मुझे 12 लेवल है यार, सही है मेल है। तो चलो इसकी स्पीड बाद में बढ़ाएंगे और अभी के लिए ये टेम हो चुका है फाइनली। और मेरे को नहीं पता अभी खाता क्या है। बेरीज बूरीज मेरे पास कुछ नहीं पड़ी। ठीक है ये ब्लू बेरीज पड़ी है कोई, तो मैंने बेरीज रख दिया। और मेरे को नहीं पता बेरीज तो काफ़ी सारी पड़ी थी मेरे पास। और यहाँ पे ये टेम होना शुरू हो चुका है गाइस, फाइनली टेमिंग टाइम। तो चलो एक डायनासोर तो फाइनली हमारे पास आ ही जाएगा। और यहाँ पे मैं भाई इसे डायनासोर्स के बचा के रखूंगा, मतलब जो नॉन वेज डायनासोर्स हैं वो आए। और हाँ हमारे इस टेमिंग वाले मतलब एक तरह से हमारा पेट हुआ डायनासोर, तो इस पर हमला कर सकते हैं और इससे इसकी जान भी जा सकती है। तो मेरे को इससे प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा हर किसी डायनासोर से, मतलब जो नॉन वेज है। तो चलो यहाँ पे ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, हमने खाना वाना दे चुका है, इलाज इसका चल रहा है। मैं और बेरीज देखता हूँ और हाँ बेरीज ला के इसे देता हूँ, क्या पता और तेज़ी से टेमिंग हो पाए। तो चलो गाइज इसका वेट करते हैं टेमिंग होने का। तो ठीक है गाइज फाइनली इसका टाइम आ चुका है, थोड़ा सा रह चुका है बस और ये टेम होने वाला है। तो ठीक है ये तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही है, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, ओ भाई। तो ठीक है यहाँ मैं वेट कर लेता हूँ, अभी ये बस टेम होने ही वाला है। ठीक है हो चुका है टेम। और इसका नाम भाई तुम कमेंट में बताना इसका नाम चेंज करेंगे। अभी मैं रखने वाला हूँ इसका नाम अपना सोरस। ठीक है अपना सोरस नाम रखने वाला हूँ इसका। तुम सब मेरे को कमेंट में बताना ये नाम कैसा लगा। और हाँ इसका नाम चेंज करेंगे, तुम सब मेरे को कमेंट में बताना इसका नाम क्या रखना चाहिए। और भाई देखता हूँ अगर मेरे को जिस भाई जो भी मतलब कोई भी डायनासोर पालेंगे हम आने वाले टाइम में, उसका नाम मैं एक का नाम तो रखूँगा पोपला, क्योंकि पोपला भाई हाउ टू ट्रेन में उस ब्लैक डायना मतलब ब्लैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वो ड्रैगन होता है उसका नाम होता है, वो भाई मेरे को वो नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलो गाइज इसको मैंने कर लिया है और इसे मैं देख लेता हूँ भाई ये मेरे साथ कहाँ तक जाएगा। दो मिनट रुको, इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे बिहेवियर नहीं यहाँ पे भी नहीं है शायद से। अपना सोरस नाम भी खतरनाक रख रहा है, उसका लेवल थोड़ा अप हो चुका है, मतलब 16 लेवल हो चुका है। तो चलो इसकी रेंज अभी रखे हम लोएस्ट रखते हैं या लो रखें, दो मिनट रुको, लो रखी है मैंने इसकी रेंज, लोएस्ट रखता हूँ यार, लोएस्ट सही रहेगी वैसे। दो मिनट रुको ये ना हमारे साथ ही साथ रहेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है अभी ना मैं अकेला हूँ, अकेले में ना भाई सहारा नहीं होता। और ये भाई काफ़ी ज़्यादा साथ है, दो मिनट रुको, ये बहुत ही ज़्यादा साथ है अभी, इतनी ज़्यादा साथ भी नहीं रखना कि मतलब चिपक चिपक के चले। लोएस्ट ठीक है, दो मिनट रुको, लोएस्ट लो ठीक होगा, थोड़ा बहुत दूर जाने पे जाएगा ये। तो ठीक है और ये दो मिनट भाई अभी उसे टेम करा और ये देखो दो मिनट उसको मारने लग गया। वेट और भाई उसने डरा दिया इसे, ओ भाई इसे उसने ना डरा के इसे भगा दिया है फाइनली। और दो मिनट रुको इसको भी मैं देता हूँ अभी ना, इसने मेरे डायनासोर को कैसे मारा, दो मिनट बच्चे रुक। और मेरा जो डायनासोर है वो उसने भी भाई इस पर हमला करा जिसके कारण इसकी जान चली गई। बट चलो इसको मैं अपने घर के आगे लेके चलता हूँ अपने हाथों से उठा के। और हमारा जो डायनासोर है वो काफ़ी ज़्यादा भाई बहुत ही ज़्यादा सही है भाई, हमला भी करेगा वो हमारे लिए। मुझे लगा नॉन वेज है इसलिए वो हमला नहीं करने वाला, बट वो हमला भी करेगा। तो चलो हमारे लिए मीट की रिक्वायरमेंट भी हो चुकी है और हमारा जो डायनासोर है वो बेरीज खाता है, जो कि हमें बेरीज आम पत्तों में से मिल जाएगी। तो ठीक है इसमें मैं रो मीट कलेक्ट करता हूँ, हाइड मेरे को चाहिए अभी आगे की ज़रूरतों के लिए। तो चलो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ हमने जो ड्रैगन टेम करा है उसका नाम तुम कमेंट में बताना, वो रखेंगे अगले वाले एपिसोड में। तो ठीक है गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हाँ कमेंट जरूर से ज़रूर कर देना, इनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और शेयर भी ज़रूर कर देना क्योंकि हमारी वीडियो आगे भी तो रीच मिलनी चाहिए, हमारी वीडियो को शेयर भी होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।